नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2020 और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स क्विज। और आज हम देखेंगे कि 4 जनवरी 2020 से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हाल ही में चोट के कारण किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है सीमा कुमारी, बबीता कुमारी, सुनीता लाखड़ा या मंजू श्री। और इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनीता लाखड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर सुनीता लाखड़ा ने चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। सुनीता लाखड़ा 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थी और उन्होंने भारत के लिए कुल 139 मैच खेले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 513 विद्यार्थी इन दिनों भारत को जानने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, यह किस कार्यक्रम का हिस्सा है? ए भारत को जानो कार्यक्रम, बी हमारी संस्कृति हमारा राष्ट्र अभियान, सी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम या डी युवाओं की आवाज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में रहने वाले 513 विद्यार्थी इन दिनों भारत को जानने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत ये विद्यार्थी एक दूसरे राज्यों में गए हैं जहां उस राज्य की भाषा, संस्कृति, खान पान से ना वे रूबरू होंगे बल्कि उसे सीखेंगे भी। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के आयुक्त संतोष कुमार मल्ल के मुताबिक एक भारत श्रेष्ठ भारत केंद्र सरकार का एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिसके माध्यम से युवाओं को अपने देश को गहराई से जानने का मौका मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 जनवरी 2020 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 350वीं, 353वीं, 400वीं या 340वीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, 353वीं। 2 जनवरी 2020 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 353वीं जयंती मनाई गई थी और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों को उपग्रह प्रणाली में चलाने के लिए निम्न में से किसके साथ करार किया है? ऑप्शन ए है DRDO, बी इसरो, सी भारतीय विज्ञान परिषद या डी बार्क। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी इसरो। आइए जानते हैं इसके बारे में। वर्ष 2020 तक कि सभी ट्रेनें उपग्रह निगरानी में दौड़ेंगी। यह तकनीकी प्रतिदिन देरी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में कमी करेगी और इससे रेल मार्ग पर यात्रियों के लिए अधिक गाड़ियां उपलब्ध होंगी। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने बताया है कि इस तकनीक को लागू करने के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ करार किया है। आइए बढ़ते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के शोध में यह तथ्य सामने आया है कि हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा शहर का अस्तित्व ग्लेशियर से निकलने वाली सरस्वती नदी के सूखने की वजह से खत्म हुआ है। कथन दो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की खुदाई में धौलावीरा से मिले घोंगे, चूड़ियाँ और मछलियों के अवशेष की कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला है कि 5500 वर्ष पहले यहाँ लोग रहते थे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपको चुनना है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों या डी कोई भी नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, एक व दो दोनों। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा शहर का अस्तित्व ग्लेशियर से निकलने वाली सरस्वती नदी के सूखने की वजह से खत्म हुआ है और यह नदी कच्छ के रण से बहती थी। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के शोध में यह तथ्य सामने आया है। IIT खड़गपुर के भू विज्ञान एवं भू भौतिकी विज्ञान के प्रमुख प्रोफेसर घोष ने बताया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में मिले घोंगे, चूड़ियाँ और मछलियों के अवशेषों की कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला है कि 5500 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। प्रश्न की बात, हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के सेना प्रमुख की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या मलेशिया। और इसका सही उत्तर है ए, ताइवान। ताइवान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ताइवान के सेना प्रमुख जनरल स्टाफ शेन पी मिंग समेत सात सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई।
दुर्घटनाग्रस्त होने वाला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जो कि ताइवान द्वारा अमेरिका से खरीदा गया था, और अमेरिका से खरीदे गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यूनिसेफ के अनुसार नए साल में दुनिया भर में कुल 3,92,078 बच्चे पैदा हुए हैं। कथन दो, यूनिसेफ के अनुसार सबसे ज्यादा बच्चे भारत में 67,385 बच्चे पैदा हुए हैं, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। कथन तीन, वर्ष 2027 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे कर देगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक व तीन, बी केवल एक व दो, सी केवल एक दो व तीन, या डी सभी एक दो तीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, सभी एक दो व तीन। आइए जानते हैं इसके बारे में। यूनिसेफ के अनुसार नए साल में दुनिया भर में 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया, और इनमें से करीब 67,385 बच्चों ने भारत में जन्म लिया जो कि सर्वाधिक था। भारत में कुल बच्चे उस दिन पैदा हुए थे 67,385, चीन में हुए थे 46,299, और पाकिस्तान में हुए थे 16,787, और इंडोनेशिया में हुए थे 13,020 बच्चे। और अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक चीन की जनसंख्या को पीछे करके सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। हाल ही में किस देश में भयानक बाढ़ की वजह से 23 लोगों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, या डी जापान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए इंडोनेशिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने परमाणु और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण से रोक को हटा लिया है? हाल ही में किस देश ने परमाणु और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण से रोक को हटा लिया है? ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तरी कोरिया, बी दक्षिणी कोरिया, सी चीन, या डी पाकिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर से रोक को हटा लिया है, और जल्दी नए हथियार के प्रदर्शन की धमकी भी दी है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पिछले वर्ष नवंबर में नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। कथन दो, नेपाल ने कहा था कि सुदूर पश्चिम में स्थित काला पानी क्षेत्र नेपाल की सीमा के अंतर्गत आता है। तीन, सन 1816 में सुगौली संधि हुई थी, 1816 में सुगौली संधि हुई थी जिसके तहत दार्जिलिंग समेत नेपाल के कुछ क्षेत्र ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे गए थे। अब उपरोक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है आपको चुनना है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक व दो, केवल दो व तीन, केवल दो, या सभी एक दो व तीन। और दस इस प्रश्न का उत्तर है डी, सभी एक दो व तीन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के चीनी उत्पादन सितंबर में समाप्त हो रहे चालू विपणन वर्ष के पहले 3 महीनों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ए 25%, बी 30%, सी 40%, या डी 15%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 30%। जानते हैं इसके बारे में। देश का चीनी उत्पादन सितंबर में समाप्त हो रहे चालू विपणन वर्ष के पहले 3 महीनों में 30.22% की बड़ी गिरावट के साथ 77.9 लाख टन रहा, और 17 दिसंबर 2019 तक 19 के अंत तक देश का कुल चीनी उत्पादन भी 77.9 लाख टन ही रहा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 नई वैज्ञानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, जहाँ पर केवल 35 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाएगा? ये खास चीज़ है इसमें कि 35 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, या पणजी, गोवा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक के बंगलुरु में DRDO की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जिसमें 35 साल से कम उम्र के लोगों की नियुक्ति वैज्ञानिक के रूप में की जाएगी, और जो कि सैन्य हथियारों के लिए आधुनिक तकनीक विकसित कर सकें। और इसके लिए 5 प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा जो निम्न होंगी। नंबर एक DRDO बंगलुरु, दो IIT बम्बई, तीन IIT चेन्नई, और चार जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, और नंबर 5 IIT हैदराबाद।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13, हाल ही में भारत में कौन सी कंपनी ने 5G आधारित फोन की पेशकश की संभावना व्यक्त की है? ऑप्शन है हुआवे, बी क्वालकॉम, सी एप्पल या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्वालकॉम, ऑप्शन बी। चिपसेट निर्माता कंपनी क्वालकॉम अगली 2 तिमाही में भारतीय बाजार में 5G आधारित फोन की पेशकश की संभावना व्यक्त की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में फास्टैग व्यवस्था केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही लागू किया जा रहा है। कथन दो, फास्टैग की व्यवस्था को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एनईटीसी कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। कथन तीन, इस प्रकार की प्रणाली से कर्मचारियों की संख्या में कमी की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 1 व 3 या सभी 1 2 3। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी 1 2 व 3। आइए जानते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में फास्टैग व्यवस्था केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही लागू की है और फास्टैग की व्यवस्था को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एनईटीसी कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। इसमें टोल कर्मचारियों की संख्या में 15% तक कमी हो सकती है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 570 टोल प्लाजा भी परिचालन में है। ये बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL में भारत सरकार अपनी 53.3% की हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इससे सरकार को लगभग 56,480 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। कथन दो, एयर इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 50% है। कथन तीन, कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉप में सरकार की 31% हिस्सेदारी का मूल 10,724 करोड़ रुपए आंका गया है। अब उपरोक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है आपको चुनना है। ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है केवल 1 व 2, केवल 1 व 3, केवल 2 या सभी 2 व 3। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 व 3। जानते हैं क्यों? क्योंकि एयर इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी है वो है 100%, ना कि 50%। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का प्रश्न जो है आपको कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। और प्रश्न है, वर्ष 2019 में G20 देशों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? वर्ष 2019 में G20 देशों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? और उसके ऑप्शन है ओसाका जापान, शंघाई चीन, बेदरिज फ्रांस या फिर डरबन दक्षिण अफ्रीका। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।